हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो ऑब्वियसली एडमिशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और अगर एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये आप लोगों के डैशबोर्ड पर जो ये ऑप्शन आ रहा है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन का, ये क्या है? और दूसरी चीज़ कि कब तक आप लोगों के रिज़ल्ट आएंगे और फिर एडमिशन कब से स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है? मैं एक फ़ाइनल अपडेट आप लोगों को बताऊंगी, इसमें सारे कंक्लूजन्स बताऊंगी कि क्या क्या प्रोसेस है, ये भी बताऊंगी आपको, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये जो आप लोगों के डैशबोर्ड पे ऑप्शन आ रहा है, मतलब थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के पास, फिलहाल अभी तो सेकेंड और फोर्थ का रिजल्ट आया ही नहीं है, लेकिन एडवांस में ही थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में जो बच्चे जाएंगे, जो सेकेंड सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद थर्ड में जाएंगे, और फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है वो फिफ्थ में जाएंगे, उन बच्चों के डैशबोर्ड में एक ऑप्शन शो हो रहा है, येलो कलर का लिंक। ऑप्शन कहाँ से मिलेगा आपको? तो जब आप स्टूडेंट यहाँ से अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर लोगे यहाँ पे आके, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा येलो कलर का लिंक, जिसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन है, ठीक है? जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होगे, कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको शो होगा, ठीक है? तो ये ऑप्शन क्या है मेनली? तो ये आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप अपने सब्जेक्ट जो हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, बुक जो है वो जाके कलेक्ट करना है, ठीक है? ताकि आप लोग अपनी स्टडी जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर लो, क्योंकि आप जैसे कि जानते हो दिसंबर में आप लोगों के अगेन एग्जामिनेशन होंगे, और एग्ज़ाम से पहले ऑब्वियसली इंटरनल असेसमेंट्स भी होगा, आपके असाइनमेंट्स होंगे, है ना? तो टाइम फिर कम बचेगा, इस वजह से ये ऑप्शन आपके पास पहले ही दे दिया गया है, क्योंकि रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है। मेनली अभी सिक्स सेमेस्टर के बच्चों के रिजल्ट पर फोकस किया जा रहा है, तो इस वजह से आप लोगों के रिजल्ट थोड़े से डिले हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोसेस नहीं चल रहा है, बहुत सारे बच्चों के आंसर शीट जो हैं वो ऑलरेडी चेक हो चुके हैं, ठीक है? और कुछ के चेक हो रहे हैं, क्योंकि बीए प्रोग्राम वगैरह में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं हमारे सोल में, है ना? तो इसमें बच्चे ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसके रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मेनली बीए प्रोग्राम का, ठीक है? रिज़ल्ट तो देखो रेगुलरली ही आ रहा है बच्चों का, रेगुलर के जो बच्चे हैं उनके रिजल्ट्स डेली ही आ रहे हैं, कल भी आए हैं रेगुलर वाले बच्चों के रिजल्ट, है ना? तो सोल के भी जल्दी ही आ जाएंगे। मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि हो सकता है फर्स्ट सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में आप लोगों के रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए, या फिर अगस्त के लास्ट वीक में। तो कुछ कह नहीं सकते कब तक रिजल्ट आएगा, मोस्ट चांस है सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक से लेके सेप्टेम्बर के लास्ट वीक तक सभी कोर्सेज़ के रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एडमिशन भी फिर स्टार्ट होगा, है ना? रिज़ल्ट आते ही एक हफ्ते के अंदर आप लोगों को, ऑब्वियसली बात है, एक से डेढ़ हफ्ते में आप लोगों के एडमिशन भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये मेन पॉइंट है आपका, जो सेप्टेम्बर के लास्ट वीक तक बीए प्रोग्राम का भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? विद इन वीक आपका एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप लोग वरिड ना हो जाए, ये जो आपको ऑप्शन आ रहा है ये कोई एडमिशन से रिलेटेड नहीं है, ये जस्ट स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपका ये ऑप्शन है, है ना? तो आप लोग इस चीज़ को लेके परेशान मत हो कि अभी तक तो हमारा रिजल्ट ही नहीं आया है तो फिर ये ऑप्शन क्यों आ रहा है हमारा, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेक्शन जनरली एडमिशन के टाइम पे ही होता है, ठीक है? तो ये इस बार आपको पहले ही ऑप्शन मिल गया है, ताकि आप लोग जो है अपनी स्टडी पहले ही स्टार्ट कर लो, राइट? तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, ये छोटी सी अपडेट थी जो कि इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए। बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि मैम हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आया है, तो फिर ये सब्जेक्ट हम पहले ही कैसे सेलेक्ट कर लें? सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है ये मैंने आपको जब आपके सारे उस पर सिलेबस पे आपके सब्जेक्ट लिस्ट पे मैंने वीडियो बनाया था, उसमें ऑलरेडी बताया था। कोर्स वाइज मैंने सभी कोर्सेज के सब्जेक्ट लिस्ट, किसको कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो एक्सप्लेन करके बना रखा है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी आप लोगों को, वहाँ से जाके आप लोग याद से वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि जब सब्जेक्ट सेलेक्ट करो आप लोग तो कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी कुछ सब्जेक्ट की क्लासेज मैं जल्दी ही स्टार्ट करवाऊँगी मेरे चैनल के थ्रू, ठीक है? तो आप वहाँ से क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।